अऊज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे फेसबुक चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। यूट्यूब चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेन टूरिस्ट वीज़ा। स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा हासिल करना कितना मुश्किल है कोविड-19 के बाद, इसकी कैसी वीज़ा रेशो जा रही है, क्या इसकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखें, सबसे पहले मैं आपको चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं काफ़ी दिनों से फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहा था, चैनल्स पे काफ़ी जो हमारे कुलीग्स हैं, मेट्स हैं, वो साथ बंदे बिठा के लगा रहे थे जी कि इसका स्पेन का वीज़ा हो गया, या फिर कोई कहानी सुना रहे हैं कि उसका वीज़ा हो गया, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, उसका फ्रेश पासपोर्ट है, सब कुछ। तो मुझसे पूछे थे कि जी, काफ़ी लोग जो हमारे क्लाइंट्स थे, हमारे जानने वाले थे, वो मैं कॉल्स करते क्या इस तरह मुमकिन है। तो मैं उनको सीधा जवाब दिया, इस बारे में मेरे कोई कमेंट्स नहीं है, क्योंकि वीज़ा आपको देना है वीज़ा ऑफिसर ने। लेकिन एक बात देखी जाए, अप्लाई अगर मेरे पास कोई बंदा आता है फ्रेश पासपोर्ट लेके, या फिर उसकी कोई इतनी टाई स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुझे कहता है वीज़ा अप्लाई कर दो, तो मैं उसका वीज़ा कभी भी अप्लाई नहीं करूँगा। इसकी वजह यह है कि मुझे पता है उसका 99% तक उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का चांस है। अब वीज़ा रेशो की क्या है, देखें एक सीधी सी बात है कि मिसाल आपको मैं देता हूँ, एक गाड़ी किसी ने, टोयोटा वालों ने या फिर किसी कंपनी ने लॉन्च की है, एक्स वाई जेड कंपनी ने एक गाड़ी लॉन्च की और हर गाड़ी को, उस गाड़ी को लेने के लिए हर बंदा पहुँच रहा है, क्यों, उसकी पहुँच में, तो वो ऑब्वियसली उस गाड़ी की कीमत बढ़ा देंगे या मार्केट में ब्लैक कर देंगे ताकि आपको महंगी मिलना शुरू हो जाए। इसी तरह एक, क्योंकि जब से कोविड-19 आया था उसके बाद सारे बॉर्डर्स बंद हो चुके थे, तो उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हुई हैं, अभी हो रही हैं। कुछ कंट्रीज़ ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं, शेंजन कंट्रीज़ में, जिसमें स्पेन है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, इस तरह के शॉर्ट टर्म्स के लिए। तो लोगों का जो रुझान था वो ज़्यादातर इटली एंड जर्मनी की तरफ था, जैसे मैंने अपने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्पेन और जर्मनी की तरफ था। जर्मनी की आप छोटी सी मिसाल ले लें कि उसकी अपॉइंटमेंट यकम, सॉरी 28 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, यकम अगस्त से मिलना, और कल से मैंने हफ्ते को देखा था, परसों अपॉइंटमेंट्स बंद हो चुकी थी, स्लॉट्स फुल हो चुकी हैं। इसकी वजह क्या है, हर बंदा शॉर्ट टर्म वीज़े के लिए अप्लाई कर रहा है। और नॉर्मली इसमें होता क्या है, इसमें होता ये भी है कि हर बंदा अपॉइंटमेंट्स लेके केस सबमिट नहीं कर रहा, कुछ लोग वेस्ट कर देते हैं, सिर्फ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट नॉर्मली फ्री मिलती है, जब अपॉइंटमेंट फ्री बुक कर लेते हैं तो वो उसके बाद वो जाएं या ना जाएं उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। अब बात हम कर रहे हैं स्पेन की, स्पेन का टूरिस्ट वीज़ा की वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। मेरे ख्याल से, ये मेरे का अपनी ओपिनियन, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, कि बहुत कम जा रही है। इसकी वजह ये कि हर बंदा स्पेन का वीज़ा अप्लाई करे, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करे, उसके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं है, वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कि शायद उसको वीज़ा मिल जाए। उनका कोटा पूरा हो जाता है, जब कोटा पूरा हो जाता है तो वो वीज़ा आगे इशू नहीं करते, बेशक आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हों या ना हो, वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक बात है अपॉइंटमेंट्स की, अपॉइंटमेंट्स अगर आपने लेनी हो स्पेन की या जर्मनी की, तो आपको प्रीमियम अपॉइंटमेंट मिल सकती है। प्रीमियम अपॉइंटमेंट यानी पेड होती है, वो महंगी होती है, ना कि फ्री होती है। तो इसके लिए आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। अपॉइंटमेंट्स तो इंशाल्लाह अगस्त के एंड तक खुल जाएंगी, क्योंकि जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज, लोगों को पता चल जाएगा जी कि चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, वीज़ा लगना हमारे हाथ में नहीं है, वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड है, जो कंसल्टेंट माजरत के साथ बेवकूफ़ बना रहे हैं क्लाइंट्स को कि आपका वीज़ा हो जाएगा, गारंटी देते हैं जी जब आपका वीज़ा हो जाएगा हमारी इतनी फ़ीस है, जब वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है एंड पे कहते हैं जी हम तो कोशिश की थी, फ़लां किया था। तो मैं ये कहता हूँ कम अज़ कम आप पहले ही ये चीज़ ट्राई करें कि उन्हें बता दें कि वीज़ा के चांसेस नहीं है, जो एक्चुअल फिल्म है। हाँ, अगर आपके बंदे के क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हैं, टाइज स्ट्रॉन्ग हैं, बिजनेस जॉब अच्छी है, देन यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज आई डिडंट रिकमेंड यू, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप इसके लिए जाएँ, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम तक आपको एक इन्फॉर्मेशन देना, आप तक एक रहनुमाई देना कि आप इस तरह करें। अब बात आती है कि किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें शेंजन कंट्री में एट दैट टाइम। देखें, हमेशा उस कंट्री का अप्लाई करें जहाँ पर लोग नहीं जा रहे, जैसे एट दैट टाइम डेनमार्क और आइसलैंड के लोग वीज़ा बहुत कम अप्लाई कर रहे हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि उनकी वीज़ा रेशो कैसी जा रही है। ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो मेरे सब्सक्राइबर्स मतलब के व्यूअर्स हैं उन तक भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। अगर आप हमसे मिलना चाह रहे हैं, हमारे ऑफिस विजिट करना चाह रहे हैं, या फिर हमसे आप ऑनलाइन काम करवाना चाह रहे हैं, तो हमारा टेलीफोन नंबर है 03470505236। ऑफिस का एड्रेस है सेकेंड फ्लोर सो प्लाजा चकसवारी, आज़ाद कश्मीर, नियर टू गवर्नमेंट बेकरी, मेन बाज़ार चकसवारी, आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। खुदा हाफिज़।